हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुगैल। आज की वीडियो का टाइटल है अमेरिका, ब्रिटेन, यूई किसी की भी नहीं सुनेगा। भारत ने कर लिया खुद का इंतजाम, खुद मतलब अपना इंतजाम खुद कर लिया भारत ने। अब भारत किसी की भी नहीं सुनेगा। क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे, बाकी बातें बाद में पता लगेगी। इंडियन अफेयर्स को वीडियो काउंट ऑन करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत के इंडियन रुपीस और यूएस डॉलर को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट लिंक्ड है स्विफ्ट इंटरनेशनल इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम से, जहां पर सारी डिसीजन मेकिंग पावर अमेरिका और उसके जो वेस्टर्नलाइज कंट्रीज हैं, जो उसके मित्र देश हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत ने रशिया की गलतियों से एक बहुत ही बड़ी सीख लेते हुए इंटरनेशनल इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम में, जो आज की डेट में यूएस डॉलर और अमेरिका की पूरी दुनिया में डोमिनेंस चल रही है, उसको भारत ने चैलेंज करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि किस तरह से जो भारत का मूव है, ये अमेरिका और ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं, इनसे भारत को आजाद करेगा और फाइनेंशियली के साथ साथ भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत ही बड़ा फैसला होगा और फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। अब आपको याद होगा, जब यूक्रेन और रशिया के बीच का युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने अपने सारे वेस्टर्न देशों के साथ मिलकर रशिया को अचानक से स्विफ्ट इंटरनेशनल इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम के मैकेनिज्म से बाहर कर दिया था। अब स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, और ये एक तरह का चैनल होता है जिसका यूज इंटरनेशनली यानी कि अलग अलग देशों के बीच फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, यानी कि एक तरह से इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए स्विफ्ट मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर भारत से अमेरिका में कोई पैसा भेजते हैं तो भी स्विफ्ट का इस्तेमाल होगा, और अगर अमेरिका से कोई व्यक्ति भारत में पैसा भेजता है तो उसके लिए भी जो स्विफ्ट का मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल होगा। अब जो ये स्विफ्ट था, इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी और उसके बाद दुनिया भर में जितना भी आज के डेट में ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल डील्स हो रही हैं, और जितना भी पैसा एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या फिर एक देश से दूसरे देश में आज के डेट में भेजा जा रहा है, उसमें स्विफ्ट का बहुत ही अहम रोल है और ये अब एक तरह से इंटीग्रल पार्ट बन गया है। और अगर नंबर्स की बात करें तो आज के डेट में दुनिया के 11,000 से ज्यादा बैंक्स स्विफ्ट का हिस्सा हैं, जो कि 200 से ज्यादा देशों और टेरिटरीज में फैले हैं। भारत की बात करें तो भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है और भारत के जो बैंक्स हैं, वो भी स्विफ्ट को इस्तेमाल करते हैं और उनके पास भी स्विफ्ट का एक्सेस है। अब ये सवाल आपके मन में भी कई बार आया होगा कि ये जो स्विफ्ट इंटरनेशनल इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है, आखिरकार इसको कंट्रोल कौन करता है और इसको लेकर जो फैसले होते हैं, जो भी पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं, इन सबको तय कौन करता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चीज को कंट्रोल करते हैं G10 देशों के सेंट्रल बैंक्स और उनके साथ साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक और जो बेल्जियम का नेशनल बैंक है वो भी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन G10 देशों की हम बात कर रहे हैं, उसमें अमेरिका और उसके अलाइज हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये G10 देश हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड्स, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा। ये जो 10 देश हैं, ये सारे अमेरिका के अलाइज हैं और इन सभी 10 देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं, वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक और जो बेल्जियम का नेशनल बैंक है, उसके साथ मिलकर स्विफ्ट इंटरनेशनल इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम को चलाते हैं और उससे संबंधित ये सारे फैसले खुद मिलकर डिसाइड करते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो G10 कंट्रीज हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप है और साथ में जो नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम है, ये एक तरह से दुनिया भर के देशों के बीच आज के डेट में जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, उसका जो पेमेंट मैकेनिज्म है, उसको कंट्रोल करते हैं। यानी ये सारी पावर्स कुल मिला के 10 से 12 देशों के पास है। इसलिए ये क्या करते हैं कि स्विफ्ट का इस्तेमाल अपने खुद के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए भी करते हैं और जो उनके खुद के देशों के पर्सनल गोल्स होते हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और रशिया को स्विफ्ट मैकेनिज्म से बाहर निकालना इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर इन्होंने स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म को पॉलिटिसाइज नहीं किया होता तो ये रशिया को कभी भी इससे बाहर नहीं निकालते। लेकिन उन्होंने ऐसा कर न सिर्फ रशिया को बहुत ही बड़ा धक्का दिया है, बल्कि भारत और चाइना को भी एक तरह से वार्न कर दिया है कि हम दोनों देशों को भी इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना होगा। अब ऑब्वियसली बात है कि अमेरिका और जो उसके अलाइज हैं, अगर वो रशिया के खिलाफ इस तरह का स्टेप उठा सकते हैं तो कल को भारत भी इस कैटेगरी में आ सकता है। और ये जो 10-12 देश स्विफ्ट को चला रहे हैं, ये कभी भी भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं और भारत के ऊपर दबाव बना सकते हैं। अब क्योंकि भारत भी स्विफ्ट मैकेनिज्म का हिस्सा है, इसलिए अगर भारत के बैंक्स को इसे निकाला जाएगा तो भारत को बहुत ही भारी नुकसान होगा, क्योंकि जब भी किसी भी देश के बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बाहर किया जाता है, इसके कारण उस देश का जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस होता है, वो एक तरह से रुक जाता है। देश के लोग अपना पैसा ना ही बाहर भेज सकते हैं और ना ही बाहर से अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, और सेम चीज एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के लिए काफी नुकसानदेही साबित होती है। इसके साथ ही जो लोकल डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम होता है, उसके ऊपर भी काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो ये वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड जैसी सर्विसेज हैं, ये भी स्विफ्ट के थ्रू ही ऑपरेट करती हैं।
इसके साथ ही अगर किसी भी देश के बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बाहर किया जाता है तो उस देश के जो सिटीजंस होते हैं, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, वो विदेशों में जाकर वहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का एक्सेस भी नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर उनको अपने पैसे खर्च करने में काफी दिक्कतें आती हैं और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी ट्रेड से लेकर फाइनेंस, टूरिज्म, हर एक सेक्टर के ऊपर इसका काफी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में कल को अगर अमेरिका और जो ये उसके अलाइज हैं, यानी कि 10 देश हैं, ये अचानक से डिसाइड करते हैं कि किसी भी कारणवश भारत को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बाहर कर दिया जाए, तो उससे भारत को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा और जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो हमारी जीडीपी है, उसके ऊपर भी इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे में समझदारी इसी चीज की होगी कि भारत इस चीज के लिए एक बैकअप प्लान पहले से रेडी रखे और स्विफ्ट का अल्टरनेटिव पहले से सोच कर रखे और एक ऐसा विकल्प तैयार करे जिसका कंट्रोल भारत के पास हो। और गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार ने इस दिशा में बहुत ही बड़ा स्टेप उठाने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डेक्कन हेराल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अब भारत की सरकार स्विफ्ट की तरह एक इंटरनेशनल इंटरबैंक पेमेंट मैकेनिज्म लेकर आ रही है, जिसमें ट्रेडिंग होगी, यानी कि ट्रेड होगा इंडियन रुपीज में, यानी कि भारत की खुद की करेंसी में। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो इंटरनेशनल इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम होगा वो स्विफ्ट से काफी मिलता जुलता होगा और वो भी इंटरनेशनल ट्रेड और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब भारत की सरकार कह रही है कि वो इस तरह का स्टेप इसलिए उठा रही है क्योंकि वो खुद की करेंसी यानी इंडियन रुपीस को इंटरनेशनलाइज करना चाहती है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। अब नो डाउट कि अगर भारत स्विफ्ट का एक अल्टरनेटिव लेकर आता है जिसमें हम दुनिया के बाकी देशों के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड करते हैं, तो इससे भारत की जो खुद की करेंसी है उसको काफी फायदा होगा, लेकिन इसके काफी सारे स्ट्रेटेजिक मायने भी हैं। खबर निकल कर आ रही है कि भारत के जो टॉप के बैंक्स हैं, उनके एक एक्सपर्ट का एक पैनल बन गया हुआ है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन सब के कई सारे एक्सपर्ट्स एक साथ इकट्ठा होकर भारत का खुद का देसी स्विफ्ट बनाने के लेकर जो भी ऑप्शंस भारत के सामने हैं उसको लेकर अपनी फाइंडिंग अगले महीने सबमिट करने वाले हैं। इसके साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि भारत जब अपना ये स्विफ्ट मैकेनिज्म, जिसका नाम अभी तक तय नहीं हुआ है, जब ये पूरी तरह बन जाएगा तो इसको सबसे पहले भारत का जिन भी देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है या फिर जिनके साथ हमने अभी तक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं और इंडियन रुपीज में ट्रेड करने को लेकर आपस में MOU साइन किए हुए हैं, उनके साथ सबसे पहले इसी मैकेनिज्म के थ्रू भारत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेगा और पेमेंट्स करेगा। इसके साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने जो एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया है उसको ये टास्क दिया गया है कि ये भारत का देसी स्विफ्ट किस तरह से बनेगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा और इसका पूरे का पूरा फ्रेमवर्क क्या होगा और इसको लागू करने में भारत के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, इसके क्या फायदे होंगे और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करने के लिए कही गई हैं और जो भारत का सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके साथ शेयर करने के लिए कही गई है। कहने का मतलब है कि भारत का जो ये देसी स्विफ्ट होने वाला है इसको लेकर अभी चीजें बहुत ही अर्ली स्टेज में है और इसको लेकर चीजें अभी तैयार की जा रही है और ये सारे ऑप्शंस आज की डेट में भारत की सरकार तलाश रही है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार ये सीन है, भारत ने सबक लिया है। सीधे मायने में बोला जाए तो रशिया से, रशिया जिस तरह कोई पेमेंट करने के लायक नहीं रहा था, इस तरह भारत चाहता है कि क्योंकि भारत किसी के दबाव में काम करने वाला देश नहीं है, भारत किसी के नीचे रहकर काम करने वाला देश नहीं है। भारत भी रशिया की तरह, चाइना की तरह और अमेरिका की तरह खुद के फैसले खुद लेता है, ना कि औरों की सुनता है। तो भारत इसलिए खुद ही अपना पेमेंट सिस्टम बना रहा है ताकि फ्यूचर में कोई पंगा बने तो ये फौरन ही भारत उसके लिए हर तरीके से तैयार है। इसमें दो तीन किस्म की बातें, बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। देखो अभी एक टाइम आएगा इंडिया सुपर पावर बनने की तो दौड़ में शामिल होगा और ये वो क्या कहते हैं, वो ये इस दुनिया का एक रिवाज है या क्या, कोई किसी को जो एक सुपर पावर है ना दूसरे को अपने से बड़ा नहीं होने देता। तो अमेरिका जिस तरह अभी चाइना के साथ उसके पंगे है ना, वो लाजमी डालेगा इंडिया के साथ, चाइना भी इंडिया के ऊपर पंगा डालेगा। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। तो ये इसको सोच समझ कर इंडिया पहले से ही तैयारी कर रहा है। वो उसकी मेन वजह ये क्यों, क्योंकि अभी नहीं तो 10-15-20 साल कुछ तो लगेगा ना, इंडिया पावरफुल तो देश बनेगा ही बनेगा। तो उसकी वजह यह है कि फिर चाइना और अमेरिका ये जो दो देश हैं ये पीछे पड़ जाएंगे। चाइना तो ऑलरेडी अभी सी भी है लेकिन अमेरिका भी आ जाएगा। ये सब कुछ सोच सोच के भारत चल रहा है, समझ कर इंडिया ये पहले से तैयारी कर रहा है। मेरे लिहाज में बहुत अच्छा स्टेप है, अच्छा स्टेप है, अपना बहुत बेटर है, बना रहा है। आपका सारे मामले के ऊपर क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।